हाय गाइड्स, आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल। दोस्तों, आज जो है एक हमारी जो है बहन जो है बहुत जोर से, मतलब इतना जोर जोर दहाड़ रही हैं, ये बहुत ऐसा मतलब है उनका जो है बहुत ज़बरदस्त, मतलब देखने को मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारी इंदिरा गांधी जो है वापस आ गई हैं, इतना मतलब जोरों से उनके अंदर जो है पूरा हिंदुस्तान भरा हुआ है। दोस्तों, आज मैं देख करके उनका बयान जो है मतलब कुछ है, मतलब खुश भी हुआ लेकिन थोड़ा नर्वस भी हुआ। दोस्तों, उनका जो है इतना ज़बरदस्त, इतना उनका भाषण जैसे था जैसे लगा कि मैं इंदिरा गांधी का कहीं बैठ करके मैं भाषण सुन रहा हूँ। दोस्तों, चाहे तो वो अगला प्रधानमंत्री बन सकती हैं इंदिरा गांधी के जैसे। तो दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक बोला कि नसरुद्दीन शाह को पार्क में घूमने से डर लगता है और शाहरुख खान को भी डर लगता है। आमिर खान ने तो हद कर दी कि वहाँ तुर्की में जा करके राष्ट्रपति से मिलके लाल सिंह जड्डा के लिए कुछ बात की। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कर दी और उनको परिवार लेके वहाँ चला जाना चाहिए, जो कि इन्होंने गलती की है, क्योंकि ये गलती उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब वो देश अपने साथ नहीं है तो उसको आपको गलती क्यों किए आप? आपको देश से परमिशन लेना चाहिए, ये करना चाहिए, जब देश बोले तो जाना चाहिए। तो आपने ये गलती किया, बहुत बड़ा गलती कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तो जब आमिर खान ने गलती किया है, अगर गलत किया है तो फिर उनकी सजा जो है पूरे खानों को क्यों दिया जाए? मेरा ये कहने का मतलब है, चलो अपना जो है नसरुद्दीन शाह बोले, मुझे ये नसरुद्दीन शाह के बारे में भी मुझे ये समझ में नहीं आते, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि उन्होंने हीरो से लेकर के विलन तक हर एक काम किया, उन्होंने सब में खड़े उतरे, पैसा शोहरत सब कुछ कमाया उन्होंने। तो हिंदुस्तान के बारे में कुछ गलत क्यों बयान देते हैं, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है। अब रहे शाहरुख खान की भी, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे उल्टे सिलटे बयान देते हैं, तो चलो ठीक है उनके बारे में बोल दिया, लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा हूँ उन्होंने जो है हमारे जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है चाहने वाले जो है हमारे जो है सलमान खान जी के बारे में उन्होंने एक ऐसी बात रख दी है जो कि मुझे रहा नहीं गया। इसीलिए मैं जो है मेरे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहन आपने ये गलत कर दिया। क्योंकि आपको मालूम है कि जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जो है वही व्यक्ति निकल करके अपने फार्म हाउस पर बहुत बड़ा भंडारा लगा के खाना आदमी लोग को रख करके खाना बना के पूरे गांव में पार्सल, फिर यहाँ पर बांद्रा में जो है रोड पर निकल करके उन्होंने गाड़ियों से उतर करके सबको पैसा, सबको खाना बांटा। ऊपर से जो फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करने मजदूर हैं उनके खातों में 25-25 हज़ार रुपये भेजे। कोई है भेजा कुछ? सिर्फ ये सलमान खान, फिर उसके बाद देखा जाए तो पहले नंबर पर जो चल रहे हैं सोनू सूद, जो कि वो गिनीज बुक में नाम ले लिए हैं और वो रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो कि वो काम जो है हमारे सरकार को करना चाहिए था वो उन्होंने काम किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको तहे दिल से मैं उनको जो भी है जितना भी उनका धन्यवाद करो कम है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं देशभक्त, सबसे देशभक्त आपके अंदर भरा हुआ, कूट कूट के भरा हुआ, लेकिन आप जब भी भाषण देती हैं, बोलती हैं सामने वाले को, तो कुछ नाम जब बोलती हैं तो ध्यान में रखिए आप किसके बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। आपको मालूम है उनका एनजीओ है, जो कंपनी से पैसा आता है वो पूरा जो है बच्चे लोग के कैंसर के लिए देते हैं। तो देखिए, बस मैं यही चाहूँगा कि आपको ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर मैं देखा बहुत देशभक्ति भरा हुआ है। बस बहन, मैं यही चाहूँगा कि अगला जो भी आप कुछ बोलें तो सोच समझ के बोलें, और जो है कुछ लोग अच्छे भी हैं, आप भूल गईं कि इस देश के लिए जो है मर मिटने वाले जो है आज भी उसके ऊपर जो है कसम खाई जाती है और गाना गाया जाता है। अपने हमीद जो है, हमीद करके जो नाम है, जो कि देश के लिए जो है शहीद हुए थे, वो हमीद करके आज भी उनका जो है नाम लिया जाता है। तो बहन, ऐसे ऐसे देशभक्त हैं, ऐसे कुछ नहीं कि मुस्लिम में भी देशभक्त हैं, कोई कुछ है, अगर एक जन गलत है तो उसके लिए सब कौम को गलत नहीं बोला जा सकता। जैसे आमिर खान ने गलत किया तो आमिर खान की वजह से सबके ऊपर आप जो है उंगली ना उठाएँ बहन। बस मैं यही चाहूँगा, आप जो है देशभक्त हैं उसके ऊपर मैं आपके लिए आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है जल्द से जल्द जो है आप भी जो है कहीं ज्वाइन हो जाइए और राजनीति में जाइए, और जो है आप भी प्रधानमंत्री के तरफ आप पैर बढ़ाइए। और बस मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो है ऑटो वाले अंकल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें,
बस आपको यही मैं बोलूँगा, दोस्तों में भी शेयर करें और आटो वाले अंकल चैनल के साथ बने रहें। बाय।